हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एफेसियन पत्र पहलो अध्याय चौथी कलम, ए प्रमाणे तेने जगत ना मंडाण गाव आपने एनामा पसंद करिया, ए माटे ए सारू के आपने तेनी आगळ प्रीतिमा पवित्रता मा तथा निर्दोष अवस्था मा रजू थईए। आमेन। तो अहीं जे पाउल कहे छे के देवे आपने इनामा एटले प्रभु ईसु ख्रिस्त मा पसंद करिया अने जगत ना मंडाण अगाउ पसंद करिया के आपणे तेनी आगळ देवनी आगळ आपणे रजू थईए, पवित्र रजू थईए, निर्दोष पवित्र अने प्रेम साथे एनी आगळ रजू थईए। अहींया पाउल त्रण वातो शीखवे छे, आनाथी आपणे शीखवा मळे छे के पहली वात, आपणे प्रभु ईसु ख्रिस्त मां देवे पसंद करिया छे। ज्यारे आपणे प्रभु ईसु ख्रिस्त साथे जोड़ाया, ज्यारे आपणे प्रभु ईसु ने अपना मुक्तिदाता तारणहार अनंत जीवन आपनार प्रभु मध्यस्थ तरीके स्वीकार करियो, अत्यारे आपने खबर पड़ी के आ तो देवनो पहला थी पूर्व ज्ञान योजना हती, अने ए तो जगतना मंडाण अगाउ एनी योजना हती, अने एटला माटे ज आपणे ईसु पर विश्वास करी सक्या अने प्रभुमां जोड़ाया अने प्रभुना मंडळीमां आपणने मूकवामां आव्या। रोमन पत्र नवमो अध्याय अग्यारमी कलम मां लखेलू छे के जारे रिबका ने एना पेट मां बे बाळको हता अने त्यां आ बन्ने बाळको ना जन्म पहला त्यां लखेलू छे देव नु पूर्व ज्ञान, एटले देव जे सगळू जाणे छे अने अगाउ थी जाणे छे एना ज्ञान प्रमाणे देवे बन्ने बाळको माथी एक बाळक ने पसंद कर्यु, बन्ने बाळक माथी एक बाळक ने पर प्रेम कर्यो, बन्ने बाळक जे रिबका ना कुक मा पेट मा हता, तो त्यां लखेलु छे अगाउ थी देव पूर्व ज्ञान पहला थी जाण देव ने हती, अने एटला माटे देवे ए बन्ने बाळको माथी याकूब ने पसंद कर्यो अने एसाव ने छोड़ी दीधो, धिक्कार कर्यो, कारण के देव पहला थी जाणता था के याकूब केवो छे अने एसाव केवो छे। तो अहीं शब्द छे पूर्व ज्ञान। रोमन पत्र आठमो अध्याय ओगणतीसमी कलम मां जो वाँचे तो त्यां पण पाउल कहे छे के देव अगाउ थी जाणतो तो अने एटना माटे ज ए जाण करतो तो माटे ज एना पूर्व ज्ञान प्रमाणे ज एने प्रभु ईसु ख्रिस्त मां माणसो ने पसंद करिया। ओगणतीसमी कलम मां लखेलू छे केम के देव जेवने अगाउ थी जाणतो तो बालको थाय ए पहला जाणतो तो, अने एटला माटे तेओना माटे तेणे गणित लगायो, तेओ माटे अगाउ थी ठराव कर्यो, तेओ माटे अगाउ थी योजनाओ करी दीधी के तेओ प्रभु ईसु ख्रिस्त ना जेवा, एटले प्रथम जन्मेलो जे ईसु ख्रिस्त छे तेना जेवा थाय, अने ए बधा जे बधा बालको थाय एमां प्रभु ईसु ख्रिस्त ने ज्येष्ठ अथवा तो मोटा भाई तरीके तेनी ओळखाण थाय। तो अहीं शब्द छे अगाउ थी जाणतो हतो, अने तेओना माटे योजना हती के दरेक प्रभु ईसु ख्रिस्त जेवा थाय अने प्रभु ईसु ख्रिस्त सगळा बायोमां मोटो भाई कहेवाय। रोमन आठमो अध्याय त्रीसमी कलम वाँचे त्यां पण लखेलू छे रोमन 8:30 वळी अगाउ थी जेओने तेणे मुकरर कर्या तेओने तेणे बोलाव्या पण, एटले जेओने देव अगाउ थी जाणतो हतो एनु पहला थी ज्ञान बाळको जन्मे ए पहला, अने एफेसियन पत्र मां जेम वाच्यु के जगत ना मंडाण अगाउ,
तो देव जगत ना बंधाण अगाउ थी सगळी वात ने जाने छे अने एना ज योजना मा एने जे गमे छे ए प्रमाणे एने ए लोको ने प्रभु यीशु ख्रिस्त मा पसंद करिया। तो एफसी पहलो अध्याय चौथी कलम प्रमाणे जगत ना बंधाण अगाउ जगत थयु सृष्टि थई एना पहला ज पूर्व ज्ञान देव नु जे ज्ञान छे पूर्व ज्ञान जानकारी छे ए प्रमाणे इने पूर्व ज्ञान ना सहाय थी ख्रिस्त मा लोको ने पसंद करिया हता। अने अहीं लखेलु छे अने तेओ ने जगत ना मंडाण अगाउ पसंद करवामा आवेला। तो देव पहली वात सीखे छे जे पूर्व ज्ञान धरावे छे जे अगाउ थी जाने छे अने हजु तो बालको सारू खराब करे अथवा बालको सारो खराब निर्णय ले अथवा बालको सारा अथवा नठारा निकले अथवा बालको जन्म थाय ए पहला जगत ना मंडाण अगाउ थी ज देव ने पूर्व ज्ञान धरावे छे। पहली वात सीखीए छे। बीजी वात ख्रिस्त मा पसंद करिया अने ख्रिस्त मा योजना हती अने जेटला लोकोए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वीकार्या जेटला लोको प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पसंद करशे अने प्रभु यीशु ने पोताना मुक्तिदाता तरीके स्वीकार करशे ते दरेक मा तेओना काम अथवा तेमनी बार जे आवनार छे तेमना कोई सारा काम के तेमना बहु ज्ञानी होवानुं अथवा तेओ कई मांगे ए पहला थी देवे ईसु ख्रिस्त मा मासो ने पसंद करिया। ईसु ख्रिस्त मा एटले ईसु ख्रिस्त ना द्वारा अथवा ईसु ख्रिस्त ने पण जे पूर्व ज्ञान छे अने प्रभु ईसु ख्रिस्त ते पण जेओने पसंद करवाना छे भविष्यमा तेमा आवाना छे ख्रिस्त मा जोड़ावाना छे ए दरेक ने देवे पण पसंद करिया जेम ख्रिस्त ने पण जे इच्छा थई तो ए बधाने ख्रिस्त मा पण घणा लोको ने लावामा आव्या। देव पसंद करे छे अने ईसु ख्रिस्त नु पण जे ज्ञान छे एमा जे जोड़ावाना छे ए प्रभु ईसु ख्रिस्त पण जाणे छे अने एमा देवे ईसु ख्रिस्त मा जेटला आवाना हता ईसु ख्रिस्त मा जेटला जोड़ावाना हता तेओ ने पण पसंद करिया। तो ख्रिस्त मा आपणे देवे पसंद करिया। आपड़ा मांगवा पहला के मने अनंत जीवन जोईए मने तान जोईए आपड़ा सारा कार्यो करिए ए पहला अने आपड़े विचारिए के कार्य करिए ए करती विशेष देव जाने छे। तो ईसु ख्रिस्त मा आपने पसंद करवामा आव्या। त्रीजी वात जोईए छे के बे कारण थी आपने पसंद करिया के आपड़े पवित्रता मा अने पाप मा पण कोई दोष न काढी सके प्रेम मा पण कोई दोष न काढी सके एम आपने पसंद करिया। आते जेती आपणे प्रीति मा पवित्रता मा आपणे जीवन जीवीए अने देव ने जे खबर हती के आपणे जे प्रेम करिए छे ए अधूरो छे आपणी जे जीवन छे ए पण अधूरु छे अने एटला माटे देवे ईसु ख्रिस्त मा એ ઈરાદાથી પસંદ કર્યા કે ઈસુ ખ્રિસ્ત દરેકને પવિત્ર દરેકને પ્રેમથી ભરપૂર બનાવે અને જેમાં દોષ ન કાઢી શકાય અને પ્રેમમાં સેવામાં કોઈ પણ કાર્યમાં દોષિત ન ઠરે માટે જ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં લોકોને લાવવામાં આવ્યા કે તેઓ પરિપક્વ થાય અને દરેક ખ્રિસ્તમાં જોડેલા વ્યક્તિઓમાં એક પણ ભૂલ ન હોય એટલા માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં દેવે પસંદ કર્યા। તેઓ પવિત્રતામાં અને તેઓ પ્રેમમાં ચાલે માટે આપણને પસંદ કરવામાં આવ્યા અને ખ્રિસ્તમાં આપણને બોલાવવામાં આવ્યા। તો બે કારણના માટે આપણને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જોડ્યા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને પસંદ કર્યા કે આપણે પવિત્રતામાં તથા પ્રેમમાં અને નિર્દોષ બનીએ પવિત્રતામાં આપણે ચાલીએ અને આપણામાં કોઈ દોષ ન માલુમ પડે આપણા પ્રેમમાં સેવામાં કોઈ દોષી ન ઠરાવે એ માટે આપણને ખ્રિસ્તમાં પસંદ કરવામાં આવેલા છે। આમેન. ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ.